नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन पीनल कोड के अंदर राइट्स, एफरे और प्रमोटिंग हेटेड बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल। इससे पिछले वीडियो में मैंने अनलॉफुल असेंबली की बात करी थी, जो मैंने आईपीसी की बनाई थी। तो अनलॉफुल असेंबली इसका मेन ऑफेंसेज है, ऑफेंसेज अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का। ये उसका सेकेंड पार्ट है। इसमें हम राइट्स, एफरे और प्रमोटिंग हेटेड बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ लोगों के बीच में बात करेंगे। तो अपना आज का काम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएँ। तो हम राइट्स की बात करते हैं। राइट माने दंगा, दंगा या बलवा, इसे हिंदी में बलवा कहते हैं, उर्दू में दंगा कहते हैं। तो अनलॉफुल असेंबली प्लस फोर्स इज इक्वल टू राइट, यानी जब कुछ गैर कानूनी रूप से कुछ लोग ताकत से, जो नॉर्मली जो लॉ को फॉलो कर रहे हैं लोग, उनके ऊपर फोर्स से अपनी ताकत दिखाएं, तो वो दंगा होता है। या वो उनकी इंटेंशन कोई ऑफेंस कमिट करने की हो तो वो दंगा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ क्या हुआ है, जैसे कि दंगे तो हमारे देश में होते ही रहते हैं। खैर, जैसे कि गुजरात दंगों में क्या हुआ था कि जब एक ट्रेन में आग लगा दी गई थी, तो उसके बाद कुछ लोग, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लोग निकल के आए और उन्होंने एक पर्टिकुलर दूसरे ग्रुप के लोगों को, उनके साथ वायलेंस किया, राइट। उनके ऊपर फोर्स यूज करके उन्होंने उन्हें ओवर पावर किया। तो सेक्शन 146 में जो है राइटिंग की डेफिनेशन दी गई है, वेन एवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली और बाय एनी मेंबर देयर ऑफ इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली, एवरी मेंबर ऑफ सच असेंबली इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ राइटिंग। यानी कि जब कोई गैर कानूनी समूह, लोगों का समूह या उस समूह का कोई सदस्य अपने एक कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी कॉमन ऑब्जेक्ट यानी कि कोई अनलॉफुल काम करने के लिए उसमें से एक्ट करता है, उस कोई अनलॉफुल काम करता है, यानी कि जैसे कि 5-7 लोग इकट्ठा होके कहीं जाके, कहीं जैसे कश्मीर में पत्थरबाजी होती है उस तरह से काम करते हैं सब, वो सब दंगा करना ही है बेसिकली, राइट। तो इसके जो असेंशियल्स आते हैं वो हमारे सामने आते हैं, 5 और मोर पर्संस, कम से कम 5 या 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए। देवर एनिमेटेड बाय कॉमन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, उनका एक कॉमन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फोर्स और वायलेंस यूज्ड बाय अनलॉफुल असेंबली और एंड मेनी मेंबर देयर ऑफ, राइट। उसमें से किसी मेंबर ने या फिर पूरी अनलॉफुल असेंबली ने फोर्स या वायलेंस करा हो, यानी जैसे बसों बसों में आग लगा देते हैं, वो भी दंगा ही है एक तरह से। सच फोर्स और वायलेंस वाज यूज्ड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ देयर कॉमन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, राइट। तो सेक्शन 146 में इसकी डेफिनेशन दी गई है, सेक्शन 147 में इसकी पनिशमेंट दी गई है, जो कि 2 साल है, और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सेक्शन 148 में कहा गया है, राइटिंग व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन, जब आपके पास हथियार हो, जैसे कि आपको पता होगा कि जब दंगा वंगा होता है तो लोग तलवार वलवार लेके निकलते हैं अपने घरों से। तो सिर्फ अगर किसी की इंटेंशन है, मेयर इंटेंशन टू यूज फोर्स इज नॉट सफिशियंट, एक्चुअली एक्चुअली वो फोर्स यूज होनी चाहिए, राइट। इफ कॉमन ऑब्जेक्ट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड, एक्यूज वुड बी एंटाइटल टू बी एक्विटेड। ये सुप्रीम कोर्ट ने हमारे प्रभाकर वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ऐसा हेल्ड किया था। फोर्स रेफर टू डेफिनेशन अंडर सेक्शन 350 ऑफ द आईपीसी। ये हम जब हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना काफी है। एंड मेनली रेफर मेनली टू अगेंस्ट पर्सन, यानी कि सिर्फ लोगों के खिलाफ जो हम इसे मानेंगे, लेकिन वायलेंस की एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और एक बड़े बड़े प्रोस्पेक्टिव में हम देखेंगे यू नो वायलेंस की डेफिनेशन को, और इसमें प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो होता है ना उसको भी हम कंसिडर करते हैं। तो जो जो बस बस जला देते हैं लोगों को, जो दुकानें वगैरह लूट लेते हैं दंगे में, जैसे कि जो सिख राइट्स हुए थे दिल्ली में 1984 में, उसमें बड़े पैमाने पे उन लोगों ने जो दंगाई थे, उन्होंने सिखों की दुकानें लूट ली थी, या और भी जिन लोगों की दुकानें थी उनकी दुकानें लूट ली थी अंडर दी गार्ब ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अब जहां पे कि कोई लैंड डिस्प्यूट होता है, वहां पे क्या होता है कि हम कोर्ट ये मान के चलता है कि प्राइवेट डिफेंस का राइट उसी के पास है जिसके पास पोजेशन है,
और जो आदमी अगर कोई उसे क्लेम कर रहा है, मान लीजिए इफ यू आर क्लेमिंग दैट दिस इज योर प्रॉपर्टी, देन आप फोर्सफुली पोजेशन नहीं ले सकते। अगर आपका कोई डिस्प्यूट है पोजेशन से रिलेटेड, तो आप जाइए कोर्ट में, जाइए सिविल कोर्ट में, जाइए पोजेशन का मुकदमा लड़िए और पोजेशन ले लीजिए। लेकिन आप जिसके जिसके कब्जे में जमीन है उसी का राइट टू प्राइवेट डिफेंस रहेगा। यू कैन नॉट क्लेम दैट राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इन दैट केस, क्योंकि राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी होता है, तो वहां आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। राइट, तो ये हो गया राइटिंग दंगे से जुड़े प्रोविजंस। 148 में मैंने आपको बताया डेडली वेपन से जुड़ा हुआ है। नाउ एफ्रे, एफ्रे मीन्स व्हेन टू और मोर पर्सन्स बाय फाइटिंग इन पब्लिक प्लेस डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, दे आर सेट टू कमिट एफ्रे। यानी दो या दो से ज्यादा लोग जब किसी सामूहिक जगह पे पब्लिक प्लेस पे लड़ते हैं, तो और जिससे कि पब्लिक शांति, सामाजिक शांति भंग हो रही है, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, राइट, तो वो दे हैव सेट टू कमिट एफरे। इसकी पनिशमेंट एक महीने की पनिशमेंट है जो सेक्शन 160 में दी गई है। इसे एफरे को डिफाइन किया गया है सेक्शन 159 में, इसे डिफाइन किया गया है, राइट। शिरोज सिंह वर्सेस स्टेट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस केस में क्या हुआ था कि विटनेसेस ने ऐसे सरकमस्टांसेस बताए कि इन लोगों के बीच में मारपीट नहीं हुई थी, बस ये एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ गाली गलौज देने से ये ऑफेंस एस्टेब्लिश नहीं होता है, और द पर्सन हैज टू बी यूज फोर्स एंड देयर शुड बी डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा था, सिरोज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ ने कहा था। नाउ प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन क्लासेस, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से, क्योंकि हिंदुस्तान में तो हेट स्पीच का, जैसे इलेक्शन का सीजन आता है तो कोई ना कोई नेता दे ही देता है। जैसे कि थोड़े दिन पहले ओवैसी ब्रदर्स ने दी थी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन, रिलीजियस पीपल, ऐसे ही कोई ना कोई देता ही रहता है हिंदुस्तान में। तो जब हम इस ऑफेंस की बात करते हैं सेक्शन 153A में, राइट, तो इसके क्या असेंशियल्स होते हैं। हू एवर बाय वर्ड्स, यानी कि कोई मौखिक शब्दों से बोल के, या रिटर्न कोई पेम्पलेट वगैरह छाप के, या बाय साइंस या इशारे से, या बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन यानी कि कोई फिल्म वगैरह बना के, या किसी और तरीके से प्रमोट्स और अटेम्प्ट्स टू प्रमोट डिसहार्मनी और फीलिंग ऑफ एनिमिटी और हेटर्ड और इलविल, यानी कि दूसरे लोगों के खिलाफ भड़काए, बिटवीन रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज एंड रीजनल ग्रुप और कास्ट और कम्युनिटीज। अब हमारे यहाँ सारे एग्जिस्ट करते हैं, इंडिया में डिफरेंट रेसेस के पीपल रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन के पीपल रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के पीपल रहते हैं, अलग अलग रीजनल ग्रुप्स हैं, अलग अलग कास्ट हैं और अलग अलग कम्युनिटीज हैं। तो अगर आप इनमें से किसी के भी खिलाफ एक दूसरे को भड़काते हैं, उनके उनके बीच में डिसहार्मनी करने की कोशिश करते हैं, या उनके बीच में आप एनिमिटी प्रमोट करते हैं, देन यू आर कमिटिंग दिस ऑफेंस ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। यानी कि आप रिलीजन के बेस पर भड़का रहे हैं उन्हें, रेस के बेस पर भड़का रहे हैं यानी रेसिस सुप्रीमेसी, जैसे कि अफ्रीकन्स के अगेंस्ट वाइट्स करते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ था अगेंस्ट पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, लैंग्वेज मराठी लैंग्वेज के लिए उन लोगों ने किया था, या तमिलनाडु वगैरह में भी हिंदी भाषी जो लोग होते हैं उनके खिलाफ पहले कभी वायलेंस होते थे, या कास्ट या कम्युनिटी और एनी अदर ग्राउंड, किसी भी ग्राउंड पे। द एक्ट मे बी प्रिजुडिशियल टू मेंटेन हार्मनी, या उनका एक्ट जो है वो लोगों के बीच में ऐसा है कि वो लोगों के बीच में शांति बनाने में मुश्किल कर रहा है, या वो डिस्टर्ब कर रहा है पब्लिक सामाजिक शांति को, उनका कोई ऐसा काम है जो सामाजिक शांति को भंग कर रहा है। ऑर्गेनाइजेज एनी एक्सरसाइज, मूवमेंट, ड्रिल और अदर सिमिलर एक्टिविटी इन ऑर्डर टू ट्रेन फॉर यूज ऑफ फोर्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट एनी ग्रुप मेंशनड इन सी। उन किसी को आप ट्रेन करते हो कि आपको इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ वायलेंस करना है, या पर्टिकुलर रेस के खिलाफ,
वायलेंस करना है तो वो आपके यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। जब आप ऐसा कोई ऑफेंस किसी प्लेस ऑफ वर्शिप में करते हैं, मंदिर या मस्जिद में करते हैं, तो आपकी सज़ा जो है 5 साल तक बढ़ाई भी जा सकती है, अदरवाइज इसमें 3 साल की सज़ा होती है, राइट। तो ये है ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। नाउ सेक्शन 153 भी ऑल्सो सेज हू एवर, ये मैंने आपको बताया 153A, नाउ 153B, हू एवर बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन बाय साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेक्स पब्लिक एनी इम्पुटेशन दैट एनी क्लास ऑफ पर्सन कैन नॉट बाई रीजन ऑफ देयर बींग मेंबर ऑफ एनी रिलीजियस रेशल रीजनल ग्रुप और कास्ट डियर ट्रू फेथ और रिलायंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप जैसे कि लोग, कुछ लोग कहते हैं ना कि पर्टिकुलर धर्म के लोग जो हैं वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करते, या इस तरह से अगर आप कहते हैं देन दैट इज एन ऑफेंस अंडर 153B। असर्ट्स काउंसिल एडवाइज प्रोपोगेट्स पब्लिशेज दैट एनी क्लास ऑफ पर्सन शैल बाय रीजन ऑफ देयर बींग मेंबर ऑफ एनी रिलीजियस रेशल लैंग्वेज रीजनल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट एज सिटीजन ऑफ इंडिया। जब हम ये कहते हैं कि पर्टिकुलर धर्म के लोग या पर्टिकुलर जाति के लोगों को उनके राइट एक्सरसाइज नहीं करने देना चाहिए या उनके राइट से उन्हें डिप्राइव रखा जाना चाहिए, जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि एक पॉपुलर रिलीजन है इंडिया का, उसके अगेंस्ट उनको वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए, राइट। तो वो सब दैट इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 153B। मैं किसी भी रिलीजन का या किसी भी कास्ट का नाम नहीं लूंगा टू अवॉइड कॉन्ट्रोवर्सी। मेक्स और पब्लिश एनी असर्शन काउंसिल प्ली और अपील कंसर्निंग द ऑब्लिगेशन ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सन बाय रीजन ऑफ देयर बींग मेंबर ऑफ रिलीजियस कास्ट लैंग्वेज ग्रुप कम्युनिटी सच असर्शन प्ली कॉजेज और लाइकली टू कॉज डिसहारमोनी और फीलिंग ऑफ एनिमिटी इल विल सच और बाय अदर पर्सन शैल बी पनिश्ड विद 3 ईयर्स, राइट। बेसिकली 153 और 153B सिमिलर ही है, काम हेटेड का ही है, राइट। तो इस ये इनमें जब आप लोगों को भड़काना भड़काते हैं बेसिकली दूसरे के खिलाफ, किसी एक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ या एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ, तो वो बेसिकली ऑफेंस है 153A और 153B में। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट है बाबूराव पटेल वर्सेस स्टेट के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन दी है किसी को इस सेक्शन में पनिश करने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो केस के फैक्ट्स ये थे कि एक्यूज ने एक जो इस केस में एक्यूज था उसने एक किसी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश किया, उसने ये कहा कि मिलिटेंट्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर एक माइनॉरिटी रिलीजन के होते हैं, और उसने जो है उसमें इस केस में उसने एक इम्पुटेशन दी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं दे आर बेसिकली वॉयलेंट कम्युनिटी, उसने ऐसी ऐसी अपने उसमें अजम्पशन दी। उसने इस बात को भी क्रिटिसाइज किया कि जो दिल्ली में मुगल रोड वगैरह है इन इन सब के नाम पे, मुगलों के नाम पे रोड रखी गई है, जबकि उसके अकॉर्डिंग मुगल्स जो थे वो देवर लस्टफुल परवर्ट्स रेपिस्ट एंड मर्डरर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दी एविडेंस हेल्ड दैट कि सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया कि किसी आदमी को इस सेक्शन में पनिश करने के लिए क्या जरूरी है। तो नाउ आई एम डिस्कसिंग दैट विद यू। इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रूव दैट एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्शनेबल मैटर एनिमिटी और हेटर्ड वॉज इनफैक्ट कॉज बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस, मतलब कि जरूरी नहीं है कि नफरत फैली गई हो, अगर नफरत फैलाने की मंशा भी है तो भी अ पर्सन कैन बी यू नो कन्विक्टेड इन दिस सेक्शन। मतलब वो आदमी ये प्ली नहीं ले सकता कि नफरत फैली नहीं है, अगर मैंने अगर कुछ ऐसी स्टेटमेंट भी दी है उससे नफरत नहीं फैली तो वो ये प्ली नहीं ले सकता। इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रूव और एस्टेब्लिश इंटेंशन टू प्रमोट एनिमिटी एंड सो ऑन, इट इज सफिशियंट इफ इट इज शोन दैट लैंग्वेज ऑफ राइटिंग इज इफ नेचर कैलकुलेटेड टू प्रमोट फीलिंग ऑफ एनिमिटी और हेटेड फॉर द पर्सन मस्ट बी प्रिज्यूम टू इंटेंड द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द एक्ट, राइट। तो ये जरूरी नहीं है साबित करना कि उसकी इंटेंशन
एनिमिटी फैलाने की थी या नहीं थी। इट इज सफिशियंट अगर उसकी लैंग्वेज को पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि हाँ इससे नफरत फैल सकती है, तो उस आदमी को उसके अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है सेक्शन के अंदर। द मैटर फॉर फॉलिंग विद इन द स्कोप ऑफ दिस सेक्शन मस्ट बी रेड एज होल, मतलब आप यू कैन नॉट डाइसेक्ट सेक्शन एंड रीड इट, आपको उसे पूरा पढ़ना पड़ेगा, आपको पर्टिकुलर कोई लाइन निकाल के उसे नहीं पढ़ सकते, यू हैव टू रीड इट एज अ होल, राइट। इफ राइटिंग इज कैलकुलेटेड टू प्रमोट फीलिंग ऑफ एनिमिटी एंड हेटेड, इट इज नो डिफेंस दैट राइटिंग कंटेन अ ट्रूथफुल अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट और इज अदरवाइज सपोर्टेड बाय गुड अथॉरिटी। मतलब अगर आप किसी पास्ट का रेफरेंस भी दे रहे हैं और उससे नफरत फैल सकती है, तो यू आर प्रमोटिंग हेटेड बिटवीन पीपल एंड यू यू कैन बी पनिश्ड फॉर दैट। यू कैन नॉट टेक अ ग्राउंड यू और एन एस्केप रूट फ्रॉम, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम योर लाइबिलिटी, बेसिकली सेइंग दैट यू आर सेइंग द ट्रूथ। इट माइट बी ट्रूथ बट यू शुड अवॉइड समथिंग विच कैन क्रिएट कॉन्ट्रोवर्सी और विच कैन यू नो प्रमोट हेटेड बिटवीन पीपल। नाउ नेक्स्ट इज, नाउ लेट मी टेल यू डिफरेंस बिटवीन राइट्स असॉल्ट एंड एफरे। असॉल्ट मैंने इसमें लिखा नहीं है क्योंकि पावर पॉइंट में बेसिकली कंपैरिजन में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा, आप साथ साथ नोट कर लें। असॉल्ट में क्या होता है, इट मे बी कमिटेड इन एनी प्लेस प्राइवेट और पब्लिक। असॉल्ट में ये वो कहीं भी कमिट हो सकते हैं, प्राइवेट में भी हो सकती है, पब्लिक में भी हो सकती है। एफरे कैन बी कमिटेड इन पब्लिक प्लेस, राइट। ऐसे सिमिलरली राइट्स कैन बी इन एनी वन प्लेस, पब्लिक और प्राइवेट, राइट। में जो असॉल्ट होती है वो इट कैन बी कमिटेड बाय वन और मोर पर्सन, एफरे में इट कैन बी टू और मोर पर्सन, और अनलॉफुल असेंबली में इट मस्ट बी एटलीस्ट 5%, ठीक है, कम से कम 5 आदमी होने चाहिए। देयर मे बी और मे नॉट बी कॉमन ऑब्जेक्ट इन असॉल्ट, कोई जरूरी नहीं है कि, क्योंकि जब अकेला आदमी होगा तो कॉमन ऑब्जेक्ट की तो कोई बात ही नहीं है अकेले आदमी के केस में, क्योंकि इट इट नीड वन और मोर पर्सन, तो कॉमन ऑब्जेक्ट जैसा कोई सवाल नहीं है। एफरे में देयर मे और मे नॉट बी कॉमन ऑब्जेक्ट, बट इन राइट्स देयर मस्ट बी अ कॉमन ऑब्जेक्ट, राइट। इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन ऑफ इंडिविजुअल, असॉल्ट जो है वो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है, ये एफरे जो है ये दिस इज अगेंस्ट पब्लिक पीस, और ये भी जो है पब्लिक पीस के अगेंस्ट होता है, राइट। मे बी दिस असॉल्ट इज असॉल्ट ऑल्सो मे बी सडन एंड अनप्रीमेडिटेटेड, जरूरी नहीं है कि आप किसी को कोई आप इसकी प्लानिंग ही करके जाएं, सडन भी हो सकती है, अनप्रीमेडिटेटेड मतलब बिना प्लान के भी हो सकती है। सिमिलरली फॉर एफरे, आप कहीं बाहर जाते हैं, आपकी किसी से झगड़ा हो गया, आप जो प्लान थोड़ी करके गए थे, तो दिस दिस इज ऑल्सो आप सडन एंड अनप्रीमेडिटेटेड, बट दंगा वंगा जो होता है ना ये सब प्रीमेडिटेटेड होता है, सब प्लान बना के किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप कहीं खड़े हो 5 लोग और आपने एकदम से दंगा करने का प्लान कर लिया, दंगा कभी जनरली दंगा सडन नहीं होता है, राइट। और इसकी जो पनिशमेंट है वो 3 मंथ है असॉल्ट की, और एफरे की तो 1 मंथ है ही पनिशमेंट, ये हम देख ही चुके हैं। और इसकी पनिशमेंट 2 ईयर है मिनिमम इन सेक्शन 146, और डेडली वेपन वगैरह के साथ है, तो अगर आप करेंगे डेडली वेपन के साथ तो ज़्यादा होगी पनिशमेंट, राइट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।